हीरोपंती जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी से इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाले टाइगर श्रॉफ का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जैकी श्रॉफ के इकलौते बेटे टाइगर श्रॉफ का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया है और इस निधन की पुष्टि मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के वार्ड बॉय कर रहे हैं। जी आपको बता दें कि देर रात टाइगर श्रॉफ अपनी गर्लफ्रेंड दिशा पटानी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे और इसी बीच इन दोनों के कार का एक्सीडेंट हुआ और देर रात ही इन दोनों को मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। हालांकि इन दोनों का इलाज अभी भी जारी है, पर इसके बावजूद इन दोनों के निधन की खबरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। इन दोनों के निधन की पुष्टि न परिवार के किसी सदस्य ने की है और न ही किसी बड़े सेलिब्रिटी है। हालांकि आपको बता दें कि लगातार दिशा पटानी का नहीं बल्कि ज्यादातर टाइगर श्रॉफ का निधन हो चुका है। इस तरीके की अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं पॉपुलैरिटी गेन करवाने के लिए और साथ ही टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग मूवी को प्रमोट करने के लिए भी। दोस्तों अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैन हैं तो कमेंट में गेट वेल सून जरूर लिख दें, क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि चोट हल्की है पर फिर भी दुआओं की ज़रूरत तो हर वक्त पड़ती रहती है। दोस्तों अगर आप भी इस एक्टर के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे इस चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।